सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात सृजनात्मक कार्य, इस सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से प्रारंभ है, किस प्रकार से प्रारंभ है, इसकी खोज जिस किसी ने भी अपने तपोबल के आधार पर किया उस संसार को बताने में असमर्थ रहे। इसका एक ही कारण है कि वो आनंद का विषय है, उस आनंद में विभक्त नहीं किया जा सकता, उस आनंद को बांटा नहीं जा सकता। हाँ, कथा सार के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का कार्य ऋषियों मनीषियों महर्षियों ने किया है, परंतु जिसकी पूर्णता का आनंद, जिस आनंद की पूर्णता उन्होंने प्राप्त किया उसे व्यक्त करने में असमर्थ रहे, और उसकी पूर्णता का प्रमाण तभी संभव है जब वो पुनर्जन्म पुनश्च आचरण आविर्भाव और पुनः अवतार लेकर के आए। ये विषय बहुत गूढ़ है और गंभीर भी है। आज अगर मनुष्य अपने आप को ये पूछे कि मैं मनुष्य ही क्यों बन कर के आया और मनुष्य ही क्यों हूँ, मनुष्य में भी इतना भेद क्यों है, तो इसकी खोज सब प्राणियों से संभव नहीं है। एक अपने आप में यह अद्भुत प्रश्न है जिसका यथार्थ उत्तर है आत्मद्रष्टारो भव। आत्मद्रष्टारो भव का अर्थ होता है अपनी आत्मा को हाजिर नाजिर अपने आत्मा से ही दर्शन करना, और यही है आनंद का विषय, जिसे सत्य चित आनंद घन परमेश्वर का हृदयंगम होना कहते हैं। कि ईश्वर ही सत्य है जो हमारे चित्त में व्याप्त है और आनंद है। आज जिस उपलक्ष्य में, जिस युग में, देश ने काल में, देश काल और परिस्थिति के अंतर्गत यहाँ बैठे हैं, यहाँ आए हैं, यहाँ तपस्या में लीन हैं या भक्ति भजन से जुड़ गए हैं, इसका पूर्व प्रारब्ध ही कारण हो सकता है। अब पूर्व प्रारब्ध का कारण महाकारण में प्रवेश करने के बाद में कैवल्य बोध होता है, जो कि पीछे की उस अवस्था से अवगत कराती है जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं, या 100 जन्मों तक पीछे जाना भी कह सकते हैं, सृष्टि के आदि मध्य और अंत तीनों की एक बिंदुता भी कह सकते हैं। तीनों एक बिंदु पे मिल करके तब वो महाआनंद की अनुभूति में प्रवेश कराते हैं। जिस तरह से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा का मिलन कहाँ होता है यह अस्पष्ट नहीं है, इसीलिए ये पारलौकिक विषय है, लौकिक नहीं। लौकिक उसे कहते हैं जो हम शरीर धारण करके द्वैत अवस्था में खुले आँखों से भी देख सकते हैं और आँख न रहने के बाद भी स्वात्मिक नेत्र से भी देख सकते हैं, और पारलौकिक वह है जो अद्वैत की भाषा है, जिसमें किसी प्रकार से न शरीर न तत्व न तन मात्राएं किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं मिलता, लेकिन वो जानने के बाद व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और द्वैत अवस्था से सब कुछ संभव है, व्यक्त करना भी, अव्यक्त के बारे में बताना भी, जो स्मरण और संस्मरण का विषय है। स्मरण कहते हैं शरीर धारण करने के बाद जो कुछ दिखाई पड़ा जाने तक की क्रिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।